बडीज, व्हाट्स अप, इट्स मॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस चीज के ऊपर पेंटिंग करने वाली हूँ ना, वो सबके घर में है। और वो क्या है? वो है न्यूज़पेपर। आज मैं न्यूज़पेपर पे पेंटिंग करूंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना एंड चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, मैं उनमें से पेपर्स चूज कर लूंगी। मैंने ऑलरेडी दो पेजेस कट करके फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दी है। ड्राई होने के बाद हम यूज करने वाले हैं व्हाइट जेसो। सॉरी, ये तो टेक्सचर्ड व्हाइट है, जेसो नहीं। एक्चुअली मेरा जो व्हाइट जेसो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं टेक्सचर्ड व्हाइट का ही इस्तेमाल कर लूं। तो टेक्सचर्ड व्हाइट बोलो ना। सॉरी, गलती हो गई है, अब से बिल्कुल भी नहीं होगा, अब खुश। एनीवेज, बातें करते करते हमने जेसो टेक्सचर्ड व्हाइट को अच्छे से पेपर पे अप्लाई कर दिया है और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ स्केचिंग बाय यूजिंग अ मैकेनिकल पेंसिल। मैं यहाँ पर एक टेस्टी कपकेक बना रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है। एनीवेज, हमारा ड्राइंग बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे कलरिंग। और कलरिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स। फर्स्ट मैं बैकग्राउंड को अच्छे से कलर करूंगी। मैंने लाइट ब्लू के साथ व्हाइट को मिक्स करके एक कलर प्रिपेयर करी है। एकदम अच्छे से बैकग्राउंड को कलर करेंगे। देन बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत शेडिंग्स ऐड करेंगे। अब हम कपकेक के ऊपर अच्छे से कलर करेंगे। एक एक पार्ट में बेसिक कलर अप्लाई करने के बाद ही हम शेडिंग कर देंगे। पिंक कलर का डार्कर टोन यूज करके कपकेक की जो कप है उसे अच्छे से शेडिंग करेंगे। देन धीरे धीरे केक, क्रीम एंड चेरी के ऊपर बेसिक कलर अप्लाई करेंगे और उसके बाद अच्छे से शेडिंग करेंगे। प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको बेसिक कलर अप्लाई करना है हर जगह में, देन उसी की डार्कर टोन को यूज़ करके आपको शेडिंग करते जाना है। अभी हम शेडिंग करते रहेंगे क्योंकि जब तक है जान। मुझे खुद भी नहीं पता ये कौन सा फ्लेवर का है। ये तो बता नहीं पाई, बट आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में इस कपकेक का क्या नाम होना चाहिए। एनीवेज, अब तक का प्रोसेस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज, हम ब्लैक कलर से धीरे धीरे आउटलाइनिंग करेंगे और उसके बाद व्हाइट कलर से हाइलाइटिंग करेंगे। फाइनली कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे और उसके बाद हमारी पेंटिंग इज रेडी। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स एंड चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।